को स्पष्ट देखने में कुछ समय लगता है? एक बार देख लीजिए, आवाज क्लियर आ रही है ना आप लोग? हाँ, वहां जाने पर वस्तुओं को देखने में कुछ समय लगता है। आंसर क्या बताइएगा बाबू, बताइए आंसर क्या बताइएगा, बोलिए आंसर क्या बताइएगा। आंसर में कि तीव्र प्रकाश से किसी कम प्रकाश वाले कमरे में जाने पर, यानी आप देख लें कि जैसे बाहर खड़े हैं, आप बाहर खड़े हैं और आप एकाएक बाहर धूप में खड़े हैं और धूप अंदर कमरे में आ, तो वहां जो भी वस्तुएं हैं उनको स्पष्ट रूप से देखने में आपको कुछ देर समय लग जाता है, होता है ना ऐसे? या आप धूप में हैं, घर में शादी विवाह वाला माहौल चल रहा है और आप भगे भगे आए और वहां पता चला कि मामा के फुआ के मौसा के फूफा खड़े हैं, तो आपका मन बहुत दूर जाना है का? इतना रिलेशन है, मान लीजिए चल रहा है, निभा रहे हैं आप लोग, बस ठीक है ना है? आज इस समय रिश्ते कहाँ निभा पा रहे हैं लोग, निभा पा रहे हैं? हाँ बोलिए, रिश्ते किसी से चल पा रहे हैं? तो अगर वहां मान लीजिए फूफा आपके खड़े हैं और आप उनको ध्यान दिए नहीं, अंधेरा था, आप पहचान नहीं पाए, आप तीव्र प्रकाश से आए थे और निकल गए, अब वो थोड़े मौसा खंडूस टाइप के होंगे, छोड़ दे बना रहे होंगे, दूर दिया समझ में आ रहा है ना? लेकिन वो तो फिजिक्स पढ़े नहीं है, उनको थोड़े ना समझ में आ गया कि बाहर से भागते भागते आया है, तो हमारे चेहरा, हमारा जो चेहरा इसको स्पष्ट रूप से दिखा नहीं, इसलिए हमको पहचान नहीं पाया, ऐसा है कि नहीं है? है? तो यानी तीव्र प्रकाश से, क्वेश्चन क्या हुआ कि तीव्र प्रकाश से किसी कम प्रकाश वाले कमरे में जाने पर वहां वस्तुओं को स्पष्ट देखने में कुछ समय लगता है, कुछ समय लगता है, क्यों लगता है? इसका आंसर जानना है, नहीं जानना है तो फटाफट इसका आंसर जान लें। पीछे हम लोग क्या क्या पढ़ चुके थे, तो केवल आंख के बारे में पढ़े हुए हैं, दृष्टिपटल या रेटिना के बारे में पढ़े थे, और लास्ट वाला पॉइंट क्या था हम लोगों का, पीत बिंदु, ये पीछे के क्लास में पढ़ चुके हैं। जो लोग लेक्चर वन नहीं पढ़े हैं वे लेक्चर वन पढ़ लेंगे, पीसीएम क्लासेज, चंदन सर गुठनी यूट्यूब पे चैनल सर्च करेंगे, लाइव सेक्शन में जाएंगे और वहां से लेक्चर नंबर वन वुमेन आई का आप पढ़ लेंगे, आंख के बारे में बताया गया है। दूसरी चीज, वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में शेयर कर देंगे, कमेंट करना नहीं भूलेंगे, लाइक कर देंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है? थोड़ा सा हेल्प मांगता है भाई, सब लोग वीडियो शेयर कर दें, सारे लोग वीडियो शेयर कर दें, हो गया? आगे बढ़े हम लोग, लाइक अभी किसी ने नहीं किया तो अब चलो भाई, क्वेश्चन हम लोगों का क्या था, क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं, क्या पढ़ लेते हैं बाबू क्वेश्चन, ये देखोगे क्वेश्चन यहाँ आ गया भाई कि तीव्र प्रकाश से, तीव्र प्रकाश से, देखो प्यारा सा क्वेश्चन है, कम प्रकाश वाले कमरे में जाने पर वहां वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में स्पष्ट रूप से समय ज्यादा लग जाता है, क्यों समय लगता है? तो इसके लिए आपने स्पष्ट रूप से क्या देखा, दिखाई दे रहा है ना बाबू, क्लियर बोलो, दिखाई दे रहा है, आवाज सुनाई दे रही है, किसी को कोई तकलीफ, किसी को कोई तकलीफ नहीं है? चलिए अब देखिए, तो बाबू यहां ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन प्यारा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है बाबू कि तीव्र प्रकाश से किसी कम प्रकाश वाले कमरे में जाने पर वहां वस्तुओं को स्पष्ट देखने में कुछ समय लगता है, क्यों लगता है भाई, ऐसा होता क्यों है, ऐसा क्यों होता है, यही चीज हमें क्या करनी है बाबू, देखनी है कि ऐसा क्यों होता है, अब तो समझ में आ रहा है ना, ऐसा क्यों होता है, तो इस चीज को हमें देख लेना है कि ऐसा क्यों होता है, ठीक, कोई दिक्कत? चलिए अब ऐसा क्यों होता है, तो इसके लिए है क्या कि आंसर क्या लिखेंगे कि तीव्र प्रकाश में आंख की पुतली सिकुड़कर छोटी हो जाती है, तीव्र प्रकाश में आंख की पुतली सिकुड़कर छोटी हो जाती है, समझ में आ रहा है ना, बहुत ज्यादा लाइट है तो आंख की पुतली अपने आप को समंजित कर लेती है, संयोजित करती है और सिकुड़कर छोटी हो जाती है, और कम प्रकाश वाले कमरे की वस्तुओं को देखने के लिए आंख की पुतली को अधिक खुलकर बड़ा होना आवश्यक होता है,
आंख की पुतली को अधिक फूल पर बड़ा होना आवश्यक होता है। आंख की पुतली फूलेगी नहीं, बड़ी नहीं होगी तो कम प्रकाश वाले कमरे में वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख नहीं पाएंगे। तो पुतली छोटी हो चुकी है, बड़ी होने में उसको समय लग जाता है, बड़ी होने में समय लग जाता है। क्लियर है ना? तो पुतली जब सिकुड़ कर छोटी हो जाती है तो कुछ समय के बाद ही वह फैल कर अधिक फूल पाती है। यही कारण है कि तीव्र प्रकाश से किसी कम प्रकाश वाले कमरे में जाने पर वहां वस्तुओं को स्पष्ट देखने में कुछ समय लगता है, स्पष्ट देखने में समय लगता है। ठीक इसके विपरीत यहाँ नहीं है, देखो ठीक इसके विपरीत यहाँ नीचे लिखा गया, ठीक इसके विपरीत देखोगे भाई, ठीक इसके विपरीत, इसके विपरीत देखना बाबू, ठीक इसके विपरीत कम प्रकाश वाले, कम प्रकाश वाले कमरे से निकलकर, से निकलकर तीव्र प्रकाश में, तीव्र प्रकाश में जाने पर, तीव्र प्रकाश में जाने पर चकाचौंध की अनुभूति होती है, चकाचौंध की अनुभूति होती है, अनुभूति होती है, चकाचौंध की अनुभूति होती है। ठीक इसके विपरीत किसकी अनुभूति होती है बाबू? चकाचौंध की, चकाचौंध, चकाचौंध समझते हैं ना? हाँ अच्छा एक्सप्लेन करे, चकाचौंध आंखों का गबड़ा जाना, हाँ हैंगा हैंगा बक्सिया जाना भोजपुरी में, नहीं समझे? हाँ और मान लीजिए जैसे गए तीव्र प्रकाश में, कम प्रकाश में थे, तीव्र प्रकाश में गए, आपके मन पसंद कुछ दिखाई दिया तो आपके होठ फेरेगा, क्या स्मार्टनेस है, क्या स्मार्टनेस है, आप तो समझ में आ रहा है ना? तो आगे बढ़े हम लोग, बोलिए बाबू आगे बढ़े, कोई दिक्कत तो आप आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, जल्दी से लिखे इसे, वीडियो को पॉज करें और लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें, या स्क्रीनशॉट ले लें बाबू, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें, कमेंट करना ना भूलें। हाँ यशुराज बाबू बहुत बहुत धन्यवाद, आदित्य तिवारी राम राम, लाइक कर दो बाबू, शेयर कर दो बाबू, यस गुरु जी एकदम, हाँ सर चंदन बाबू बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हिमांशु बाबू हाय। चलिए आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़े नहीं बढ़े, आदित्य बाबू क्या हाल चाल है आपका, आगे बढ़े हम लोग। क्लियर आ रहा है ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बढ़िया हिमांशु बाबू हालचाल बढ़िया, अपना आप बताइए सुनाइए बहुत कुछ, मेरा सुन के क्या करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाबू लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोगों का टॉपिक क्या होगा ध्यान से देखिए, समंजन क्षमता, अगला टॉपिक क्या होगा, समंजन क्षमता, समंजन क्षमता, अगला पॉइंट क्या होगा हम लोगों का, समंजन क्षमता, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे समंजन क्षमता, पावर ऑफ एकोमेंडेशन, पावर ऑफ एकोमेंडेशन, समंजन क्षमता, क्या हेडिंग डालेंगे हम लोग, समंजन क्षमता, पावर ऑफ एकोमेंडेशन, चलिए हेडिंग डालेंगे समंजन क्षमता, समंजन क्षमता, पावर ऑफ एकोमेंडेशन, पावर ऑफ एकोमेंडेशन, पावर ऑफ एकोमेंडेशन,
AOCOMODATION MODATION चलिए पावर ऑफ रिकमेंडेशन क्लियर है। समंजन क्षमता, समंजन क्षमता क्या है तो आंखों की ऐसी क्षमता, आंखों के लिए ऐसी क्षमता जिससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी स्वयं व्यवस्थित होती रहे, अपनी आप से बदलती रहे या घटती बढ़ती रहे, क्या कहलाती है समंजन क्षमता कहलाती है। तो लिखेंगे आंखों की ऐसी व्यवस्था, आंखों की ऐसी व्यवस्था या ऐसी क्षमता जिससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी, आंखों की ऐसी क्षमता लिखेंगे तिरका चिन्ह देखे बाबू, आंखों की ऐसी क्षमता, आंखों की ऐसी क्षमता जिससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी, नेत्र लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी, फोकस दूरी, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अपनी आप बदलती रहती है, अपने आप बदलती रहती है, रहती है समंजन क्षमता कहलाती है, समंजन क्षमता कहलाती है। अब देखो बाबू तो आंखों की ऐसी क्षमता जिससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी, किसकी फोकस दूरी, नेत्र लेंस की फोकस दूरी स्वयं बदलती रहती है, स्वयं बदलते रहती है, उसे क्या कहते हैं आंख की समंजन। अच्छा इसमें नेत्र लेंस की फोकस दूरी के घटने बढ़ने का क्या कार्य होता है, तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ती है तो उसका काम होता है कि वह वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब कहाँ बना, प्रतिबिंब रेटिना पर बना, और घटती है तो उसका काम होता है कि वह वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनाए, यानी आंख का वह सामर्थ्य जो नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन लाकर दूरस्थ या नजदीक की वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनाए, आंख के लिए समंजन क्षमता कहलाती है, आंख के लिए समंजन क्षमता कहलाती है, क्लियर है ना, आंख के लिए क्या कहलाती है। तो दूसरा परिभाषा भी हो गया कि आंख का वह सामर्थ्य, आंखों का वह सामर्थ्य जो नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन कर, नेत्र लेंस की फोकस दूरी में दूरस्थ वस्तु या नजदीक वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनाए, आंखों की समंजन क्षमता कहलाती है, क्लियर है ना। तो दूसरा परिभाषा भी लिख सकते हैं हम लोग, दूसरा परिभाषा लिखेंगे और में आंखों की वह आंख का वह सामर्थ्य जो नेत्र लेंस की फोकस दूरी को बदलकर, आंख का वह सामर्थ्य, आंख का वह सामर्थ्य, सामर्थ्य जो नेत्र लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूरस्थ नेत्र लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूरस्थ या वस्तु या नजदीक वस्तु, दूरस्थ वस्तु या नजदीक वस्तु, या नजदीक वस्तु, दूरस्थ वस्तु या नजदीक वस्तु का अस्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनाए, कहां बनाए बाबू, रेटिना पर बनाए, क्या कहलाती है भाई, आंखों की समंजन क्षमता कहलाती है, आंखों की समंजन क्षमता कहलाती है, क्षमता कहलाती है, क्या कहलाएगी बेटा, आंखों की समंजन क्षमता कहलाएगी। और बेटा आंखों की समंजन क्षमता कितनी होती है, तो सामान्य आंख के लिए उसकी समंजन क्षमता 4D होती है, D का मतलब डायोप्टर, तो नीचे तिरका चिन्ह के लिख लेंगे सामान्य आंख के लिए उसकी समंजन क्षमता
4D होती है, कितनी होती है भाई 4D होती है। 4D का मतलब क्या हुआ बेटा, 4D का मतलब क्या हुआ, देखो डायाप्टर, 4D, डी का मतलब क्या है, डायाप्टर है, क्या है डायाप्टर, क्लियर है ना, यानी 4 डायाप्टर, कितना डायाप्टर 4 डायाप्टर, कितना डायाप्टर बाबू 4 डायाप्टर, क्लियर है ना, एनी प्रॉब्लम, 4 डायाप्टर, आगे बढ़े ना। अब देखो वृद्धावस्था में नेत्र लेंस की समर्थन क्षमता घट जाती है, जब बुढ़ापा आता है, क्या बुढ़ापा नहीं आएगा बाबू, आपका बुढ़ापा नहीं आएगा, आप अमेरिका में थोड़े ना बसे हैं, आप इंडिया में बसे हैं, और इंडिया में बसने वाले लोगों की बुढ़ापा जरूर, का बुढ़ापा पक्का आता है यार, अमेरिका वाले लोगों का साथ पता नहीं आता होगा कि नहीं आता होगा, हमारे यहाँ बुढ़ापा से मतलब क्या है, क्या 1000 नहीं, जीने की बात, बुढ़ापा से जीने का लेना देना नहीं है, बुढ़ापा से लेने का, जीने का ले कोई लेना देना नहीं है, बुढ़ापा का मतलब कि आपकी जो इच्छाएं आज है वो इच्छाएं उस समय शायद मर जाती, समझ में आ रहा है ना, जैसे आज इच्छा है कि अच्छा खासा कपड़ा हो, अच्छा पहनावा हो, अच्छी कार हो, लाइफ स्टेटस हो, 2-4 गर्लफ्रेंड हो, अच्छा मतलब आप गर्लफ्रेंड का नहीं समझते हैं, हमको लगता है कि आप मैंने थर्ड जेंडर नहीं ना है, बताइए, अरे गर्ल को फ्रेंड बनाना, किसको फ्रेंड बनाना, गर्ल को, चलिए आगे बढ़ते हैं, ईश्वराज बाबू आए, चलिए आगे बढ़े, हम लोग बढ़े नहीं बढ़े बढ़े, अब चलिए बाबू, तो अब देखना नीचे से एक तीर का चिन्ह देख के और लिखना, तीर का चिन्ह देखिए, बुढ़ापे में आंखों की समंजन क्षमता घट जाती है, आंखों की समंजन क्षमता घट जाती है, बुढ़ापे में आंखों की समंजन क्षमता घट जाती है, यानी वह दूर या नजदीक के वस्तुओं का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से नहीं बना पाता, स्पष्ट रूप से नहीं बना पाता, समायोजित नहीं कर पाता है, तो या तो प्रतिबिंब पहले बन जाता है या प्रतिबिंब रेटिना के बाद बनता है, तो स्पष्ट रूप से वस्तुएं दिखाई नहीं देती है, जब वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है, तो जैसे बुढ़िया दादी के पास जाते हैं तो बुढ़िया दादी करती है, अच्छा अमर बाबू है ना, तार बाबू ना, तेरा बाबू के बाबू, समझ रहा है कि नहीं आ रहा, कौन पिक्चर चट्टा के तेरा पिक्चर दिख रहा है रे, तेरा का सिनेमा हॉल लग रहा है, पढ़ाई का होला, मौसा से पूछ अपने पढ़ाई का होता है, पढ़ाई का होला है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, तो बुढ़ापे में आंखों की समर्थन क्षमता घट जाती है, इसलिए बुढ़िया दादी पहचान नहीं पाती है और कहती है अरे हमारे बाबू ना, बाबू के बाबू है, और समर्थन क्षमता के साथ साथ कान के सुनने की क्षमता भी, चिल्ला के कहना पड़ता आ, समझ में आ रहा है ना, चलो आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग अगला पॉइंट नोट कर लीजिए, जल्दी से स्क्रीन शॉट ले लीजिए, इसे जल्दी से स्क्रीन शॉट ले लीजिए बाबू, जल्दी से स्क्रीन शॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाबू, हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं, तो नोट लिखिएगा, आगे बढ़ते हैं, नोट लिखिएगा बाबू, कभी कभी नोट लिखिएगा, कभी कभी नहीं, जो आप सोच रहे हो नहीं कहने वाले हैं, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, हम कहने वाले भी नहीं है, ठीक,
लेकिन कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र, नोट लिखिए, कभी 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 अधिक आयु का मतलब उम्र के व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस यानी जो उनके आंख में लेंस लगा होता है, जो आंख में लेंस लगा होता है, जो नेचुरल होता है, क्या होता है? नेचुरल क्रिस्टलीय लेंस दुधिया एवं दुधला हो जाता है। दुधिया एवं दुधला हो जाता है। दुधिया दुधिया समझते हैं ना? हाँ, उजला, व्हाइट, दुधिया एवं धुधला हो जाता। धुधला हो जाता है, हो जाती है या हो जाता है। इस स्थिति को देख बेटा, आंखों के लेंस का दुधिया होना और धुधला होना, आंखों के लेंस का दुधिया होना और धुधला है ना, मोतियाबिंद कहलाता है। क्या कहलाता है? मोतियाबिंद, कैटरैक्ट। क्या कहलाता है बेटा? कैटरैक्ट, यानी इस स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? मोतियाबिंद, मोतियाबिंद, कैटरैक्ट। क्लियर है ना? इस स्थिति को क्या कहते हैं? कैटरैक्ट यानी मोतियाबिंद कहते हैं। यानी आंख के लेंस का दुधिया होना, धुधला होना क्या कहलाता है बेटा? मोतियाबिंद कहलाता है। क्या कहलाता है? मोतियाबिंद। अब देखो इसमें होता क्या है कि इसके कारण नेत्र की दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय हो जाता है। यानी जो नेत्र लेंस है उसके देखने की क्षमता या तो घट जाती है या पूरी तरह से देखने की क्षमता समाप्त हो जाती है। पूर्ण रूप से देखने की जो क्रिया है वो खत्म हो जाती है। तो मोतियाबिंद बहुत लाइजाज बीमारी नहीं है, इसका शल्य चिकित्सा किया जाए तो आंखों की रोशनी वापस आ जाती है। यानी मोतियाबिंद में होता क्या, पहली बात समझ में आया कि केवल लेंस खराब होता है, आंख खराब, आंख की लेंस खराब होती है। तो लेंस को आज आर्टिफिशियल बदला भी जा रहा है, आंख के लेंस को आर्टिफिशियली चेंज किया जा रहा है। तो अब गांव में देखते होंगे 10-15 दिन 20 दिन बुढ़ऊ बाबा लोग करी का चश्मा लगा के घूमते हैं। हाँ, आप पूछ दीजिए, अरे बाबा हीरो बनल बड़ा हो तो नारे बड़ू बाग आखिया तनी कम लौकत रहा। तो बाबा ढेर तक खातिर आंखिए बदलवा ले रहा का, बुढ़ाऊ का चश्मा लगा रहे हैं। तो चट्टा कहकर तू चश्मा लगाएगा तो नहीं लगाएंगे, जितना तू लंठ किया है उकार के छोड़ दिए होंगे। आगे बढ़ा, आगे बढ़ते हैं। चलो अब देखो, मोतियाबिंद के कारण दृष्टि में देखने की क्षमता घट जाती है या पूरी तरह से समाप्त हो जाती है, पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। बात समझ गए? और इसको उपचार के लिए करना क्या होगा, सिर्फ लेंस बदलने की जरूरत है। कोई दिक्कत? चलिए अब आता है स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी। स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या है? लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। यानी ऐसा पॉइंट, यानी हमारे सामने कुछ ऐसा पॉइंट जहां हम सब कुछ रख किसी छोटी से छोटी वस्तु या बड़ी से बड़ी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सके। स्पष्ट रूप से देखने का मतलब कि उसमें सब कुछ बता सके। जैसे छोटा सा गाना हो गया घर में, छोटा सा एक गाना हो गया, अरे गाना नाक में लड़कियां पहनती है ना, छोटा सा ही होता, बहुत बड़ा थोड़े ना होता, इतना बड़ा होता है, छोटा सा होता। अब उसको मतलब यहां रख दो इतना दूर, अब उस पर क्या नकाशी की गई है बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। तो स्पष्ट दर्शन के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा पास लाना पड़ेगा। तो पता चलता है कि उस छोटे से नाक में पहनने वाले गहने पर भी डिजाइन काढ़ा गया, डिजाइन बनाया गया। तो छोटे से गहने पर डिजाइन बनाया गया और स्पष्ट रूप से दिख जा। यानी ऐसा पॉइंट जहां से
रखे किसी वस्तु को अस्पष्ट रूप से देखा जाता है वह पॉइंट क्या कहलाता है, अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कहलाती है। और सामान्य आंख के लिए कितना सेंटीमीटर होता है बेटा, 25 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, क्लियर है? तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी। हेडिंग बनाइए, अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दर्शन की बात मत करिए, दर्शन की न्यूनतम दूरी, अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी। क्या लिखेंगे बाबू इंग्लिश में, लेस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, एल ई ए एस टी, लेस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। चलिए लिखिए, तो जल्दी करिए बाबू, जल्दी करिए। चंदन बाबू आपके गांव में एक आदमी को हुआ है, अच्छी बात है, आप उनका सही से उपचार करवाएं। अच्छा, उनका सही सजेशन दे दें, एक और सही सजेशन उनको दे दीजिएगा तो कम से कम यहाँ आएंगे पढ़ने भी। देखो भाई, सब तो आंखों का ही प्रॉब्लम है, गाना भी सुने होंगे, नैना रे तू ही बुरा तुझसे बुरा ना कोई, यानी आंखें हैं देखने के तरीके दिलों पर राज करा देते हैं और आंखों ये देखने के तरीके लात जूता भी खिला देते हैं। नहीं समझ पा रहे हो क्या, समझ रहे हो ना? तो ये आंखें दिलों पर राज भी करवाते हैं और जूते चप्पल भी खिलाते हैं, तो सब खेल किसका है बेटा, आंखों का। इसलिए आंखों के दर्शन की दर्शन को स्पष्ट रूप से सही करो, स्पष्ट रूप से सही करो। देखो, वह न्यूनतम दूरी जहां रखी वस्तु को सामान्य आंख आसानी से देख पाता है, वह न्यूनतम दूरी लिखिए, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी में। अगर लिख लिया तो शांति से बैठिए, नहीं लिखे तो लिखिए, वह न्यूनतम दूरी, वह न्यूनतम दूरी, वह न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी जहां रखी, वह न्यूनतम दूरी जहां रखी वस्तु को सामान्य, वह न्यूनतम दूरी जहां रखी वस्तु को, रखी वस्तु को, वस्तु को सामान्य आंख, सामान्य आंख, सामान्य आंख का मतलब क्या हुआ, नॉर्मल आई, जिसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, सामान्य आंख स्पष्ट रूप से देख पाए, स्पष्ट रूप से देख पाए, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कहलाती है, न्यूनतम दूरी कहलाती है, स्पष्ट दर्शन की कौन सी दूरी कहलाती है बेटा, न्यूनतम दूरी कहलाती है, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कहलाती है। क्लियर है ना? या दूसरे शब्दों में क्या लिख सकते हैं कि वह न्यूनतम दूरी जिसे कम दूरी पर रखी वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई न दे, यानी वह न्यूनतम दूरी, वह न्यूनतम दूरी, या वह दूरी जिससे कम दूरी पर रखी वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई न दे। जैसे मान लीजिए यहाँ आंख के पास लेके आ जाए, कुछ दिखाई देगा, अभी हाथ नहीं दिखाई देगा, अंगुली नहीं गिन पाइएगा, कितनी अंगुलियां हैं गिन पाइएगा, नहीं गिन पाइएगा। या वह दूरी, वह बिंदु जहां से अधिक दूरी पर रखी वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई न दे, तो वह बिंदु क्या कहलाएगा, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कहलाएगी। क्लियर? तो दूसरा परिभाषा भी आप लिख सकते हैं, दूसरा परिभाषा लिखेंगे और में लिखेंगे, वह न्यूनतम दूरी जहां से कम या बालक आते नहीं, जहां से कम या अधिक दूरी पर रखी वस्तु स्पष्ट रूप से
स्पष्ट रूप से दिखाई ना दे, दिखाई ना दे स्पष्ट दर्शन की, दर्शन की न्यूनतम दूरी कहलाती है, दर्शन की न्यूनतम दूरी कहलाती है, कहलाती है। और बेटा बताओगे सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? सामान्य आंख के लिए, आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी, दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी सेंटीमीटर होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। कितने सेंटीमीटर होती है बेटा? 25 सेंटीमीटर। क्लियर है ना? कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? अब चलो अगला पॉइंट आता है, निकट बिंदु दूर बिंदु, निकट बिंदु और दूर बिंदु। चलेंगे जल्दी से, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें फटाक से, स्क्रीनशॉट ले ले बाबू, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, आगे बढ़े हम लोग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बाबू लोग, अब आगे बढ़ते हैं। क्लियर दिख रही है ना बाबू? कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को? बोलिए कोई दिक्कत? चलिए अब आगे बढ़ते हैं बाबू, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम लोग, निकट बिंदु। नेक्स्ट हेडिंग क्या बनाएंगे बाबू? निकट बिंदु, निकट बिंदु, निकट बिंदु। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे निकट बिंदु, निकट बिंदु, निकट बिंदु। नेक्स्ट हेडिंग क्या बनाएंगे बेटा? निकट बिंदु नियर पॉइंट। निकट बिंदु को क्या कहते हैं बेटा? नियर पॉइंट। दूर बिंदु को क्या कहते हैं? फार पॉइंट। दूर बिंदु को क्या कहते हैं? फार पॉइंट। निकट बिंदु और दूर बिंदु, निकट बिंदु और दूर बिंदु। चलोगे देखोगे बोर्ड पे दिख रहा होगा आपको, बोर्ड पे दिखाई दे रहा है ना बाबू? चलिए दिखाई दे रहा है तो देखिए, पहला पॉइंट क्या मिला? निकट बिंदु। निकट बिंदु को क्या कहते हैं? नियर पॉइंट, यानी निकट बिंदु, निकट बिंदु। और निकट बिंदु के लिए क्या बात आ गया बाबू? तो कहता है कि आंख के सबसे निकट का हुआ बिंदु, आंख के सबसे निकट का हुआ बिंदु जहां पर रक्त वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है, आंख का क्या कहलाता है? निकट बिंदु कहलाता है। और सामान्य आंख के लिए निकट बिंदु कितना होता है? यानी आंख के सबसे निकट का हुआ बिंदु, सबसे निकट, निकट का मतलब नजदीक, समझ में आ रहा है ना? और आंख मान लीजिए यहाँ मेरे हाथ पर पेन रखा हुआ है, या स्पष्ट रूप से पेन दिखाई दे, तो यह क्या कहलाता है आंख के लिए? निकट बिंदु कहलाता है। निकट बिंदु कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। दूसरा कहता है कि फार पॉइंट, फार पॉइंट का मतलब दूर बिंदु, यानी नेत्र से दूरस्थ हुआ बिंदु, नेत्र से यानी आंखों से दूर हुआ बिंदु जहां रखी वस्तु स्पष्ट रूप से देखी जा सके, स्पष्ट रूप से देखी जा सके, क्या कहलाता है? दूर बिंदु कहलाता है। और सामान्य आंख के लिए दूर बिंदु अनंत तक होती है। कितने तक होती है बाबू? अनंत। अनंत समझते हैं? अनंत समझते हैं? नहीं समझते हैं? पक्का समझते हैं ना? आगे बढ़ते हैं बाबू। तो सामान्य आंख के लिए दूर बिंदु कहाँ तक होता है? अनंत तक। बहुत 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 लोगों को बहुत दूर तक की वस्तु दिखाई दे देती है, और बहुत लोगों को बहुत दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है, यानी दूर बिंदु अनंत है, दूर बिंदु। और प्रत्येक आंख की देखने की क्षमता अलग अलग होती है। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? जैसे आप क्लास में बैठे हैं और यहाँ बोर्ड पे क्या लिखा जा रहा है आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन यही किसी बच्चे की कॉपी यहाँ लेके हम ऐसे कर लें और आप देख के लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे। यानी आपके स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है, यानी निकट बिंदु आपका क्या है? 25 सेंटीमीटर है। तो इससे अधिक दूर की वस्तु को आप स्पष्ट रूप से नहीं देख पाएंगे। और दूर बिंदु अगर आपका सही है
तो फिर यहाँ की वस्तु को आप देख, कोई दिक्कत। अब आता है दृष्टि विस्तार। दृष्टि विस्तार का मतलब रेंज ऑफ विजन, कहाँ तक देख पाएंगे, कहाँ तक। तो हम मनुष्य के लिए कितनी आंखें होती हैं भाई, दो, इससे भी अधिक होती है का नहीं ना होती है। हाँ, तो सामान्य मनुष्य के लिए सामान्य ले लेते हैं भाई, समझ में आ रहा है ना। सामान्य मनुष्य के लिए कितनी आंखें होती हैं, दो। तो अब देखो, सामान्य आंख द्वारा अनंत और 25 सेंटीमीटर के बीच की दूरी को वस्तु यानी आंख इसके बीच रखी वस्तु को आसानी से देख पाता है, इसे ही दृष्टि विस्तार कहते हैं। यानी 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक के बीच कोई भी वस्तु रखी गई हो तो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है, स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है, तो इसे क्या कहते हैं, दृष्टि विस्तार कहते हैं। क्लियर है? अर्थात निकट से दूर बिंदु के बीच की दूरी को दृष्टि विस्तार कहते हैं। निकट से दूर, निकट से दूर, जो नजदीक रखी वस्तु है और जो दूर रखी वस्तु है। जैसे चंदा मामा को आप देख लेते हैं, देख लेते हैं ना, जब बचपन में थे मम्मी क्या करती थी, उली लुलु 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 आ रही हवा पैर नदिया के किनारे हवा बाबू के मुंह में घुट, तो आप घुट कर करके क्या किए, चंदा मामा को देख के दूध रोटी खा ली। लेकिन आज आपके घर का छोटा भतीजवा होगा, वो ससुरा मोबाइल देखता है तब खाता है, उसको चंदा मामा दिखाई नहीं दे रहा है, समझ में आ रहा है ना। अब उसको चंदा मामा कौन दिखाने लेके जाए छत पे, आप मोबाइल छीन लीजिए तो झूठ हो, आग से तो आंसू आ नहीं रहा कर रहा है झूठ मूठ का, खानो नहीं खा रहा। अच्छा, प्रैक्टिकल हुआ है बाबू के साथ, बाबू के साथ प्रैक्टिकल हुआ है, तो ये बात समझ गया। आप जल्दी से उतार ले बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो, उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी करो, आगे बढ़ते हैं बेटा, जल्दी करिए मेरे बाबू लोग, जल्दी करिए। हाँ चंदन बाबू, टाइम टाइम क्या है बताइए ना सर, एकदम आराम बा, मतलब आंख में आप ही को प्रॉब्लम हुआ था क्या चंदन बाबू? क्या चंदन बाबू का दुनिया अलग हो गया है? अरे ससुरा सुधरेगा नहीं सब, तुम लोग कहा फालतू फालतू चैट करता है यार। जी जी बिल्कुल हम समझ रहे हैं, जल्दी कीजिए और एक नोट लिख लीजिएगा। आगे बढ़े, नोट लिखिएगा। लिखिएगा, मानव नेत्र, मानव के एक नेत्र का क्षैतिज दृष्टि विस्तार लगभग 150 डिग्री होता है। नोट लिखिएगा, नोट लिखिएगा, मानव के एक नेत्र, एक आंख, एक आंख का क्षैतिज विस्तार, क्षैतिज दृष्टि विस्तार, क्षैतिज दृष्टि विस्तार विस्तार लगभग 150 डिग्री होता है, होता है, जबकि जबकि दोनों आंखों का, दोनों आंखों द्वारा, आंखों द्वारा क्षैतिज दृष्टि विस्तार, दृष्टि विस्तार, क्षैतिज दृष्टि विस्तार 180 डिग्री होता है। यानी मनुष्य एक आंख जब बंद करता है तो लगभग कितने दृष्टि तक के वस्तुओं को देख पाता है, कितने एंगल, 150 डिग्री, 150 डिग्री। लेकिन जब दोनों आंखों से मनुष्य देखता है तो 180 डिग्री तक के वस्तुओं को बिना मुंडी हिलाए देख सकता है, बिना मुंडी। लेकिन कुछ पक्षियों और कुछ पशुओं के आंख उनके सिर पर होते हैं जो 360 डिग्री तक मूव कर लेते हैं, जैसे कौवा,
चलिए बहुत है, बहुत तुम कबूतर देख रहे आपने जिंदगी में। ये हो गया बाबू, यानी मनुष्य की आंख का, एक आंख का क्षैतिज विस्तार कितना होता है 150 डिग्री, और दो आंखों का क्षैतिज विस्तार कितना होता है 180 डिग्री। तो ये रही आंख से रिलेटेड सामान्य बातें, आंख से रिलेटेड सामान्य बातें। अब आते हैं तो आता है अगला टॉपिक बेटा दृष्टि दोष। क्या आता है? दृष्टि दोष। अगला टॉपिक क्या आता है बेटा? दृष्टि दोष। अच्छा दृष्टि दोष क्या है? आंख का खराब हो जाना दृष्टि दोष कहलाता है ना, आंखों का खराब हो जाना दृष्टि दोष कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? दृष्टि दोष कहलाता है। आंखों का खराब हो जाना दृष्टि दोष कहलाता है। दृष्टि दोष कितने प्रकार का होता है? अरे देखो कंफर्म कर लो, देखो पहला तो निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता, अबिंदुकता और कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांध जिसको कहा जाता है। कलर ब्लाइंडनेस समझते हो, वर्णांध समझते हो? यानी बहुत सारे लोग होते हैं जिनको वर्णों की पहचान नहीं हो पाती है, कलर पहचान नहीं पाते हैं। यानी कलर में दो तरह का ही प्रॉब्लम होता है, लाल को हरा कहते हैं, हरा को लाल कहते हैं, समझ पा रहे हैं ना? बाकी और कलर ठीक ठाक पहचान लेंगे, पियर फराक होगा तो बढ़िया से पहचानेंगे, लेकिन हरियर फराक होगा तो लाल कह देंगे, समझ पा रहे हैं ना? तो दिक्कत हाँ, लाल घाघरा बनेगा। तो आंख आंख दृष्टि दोष कितने प्रकार के बाबू? पांच प्रकार के। पहला क्या होता है? निकट दृष्टि दोष। दूसरा दूर दृष्टि दोष। तीसरा जरा दूर दृष्टि दोष, यानी जरा दूरदर्शिता कहेंगे, और फिर क्या कहेंगे? अबिंदुकता, शॉर्ट साइटमेंट, और कलर ब्लाइंडनेस, इसको वर्णांध कहेंगे। कलर पहचान में नहीं आएगा, लाल और हरे रंग की वो पहचान नहीं कर पाते हैं, कलर ब्लाइंडनेस होता है। क्लियर? वो दिक्कत। तो अब अगले क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? दृष्टि दोष। क्या पढ़ेंगे? आज के लिए सिर्फ इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और फिर 7:15 से हम लोगों का मैथ क्या त्रिकोणमिति का लाइव क्लास चलेगा। 7:15 से मैथ के लाइव क्लास में त्रिकोणमिति चैप्टर चल रहा है, आप सभी लोग ज्वाइन करें, ठीक है? चलिए अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।